So well students, today we are going to discuss about the placenta, a maternal connection between the fetus and the mother. Fetus और mother के बीच में बनने वाला जो connection होता है उसे हम placenta कहते हैं. So far we have discussed about the fertilization and implantation also. Implantation में हमने देखा कि 7th day जो हमारे पास एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुई है वो धीरे धीरे एम्बिडेंट हो जाती है इनटू द वैस्कुलर हाईली वैस्कुलर लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जैसे ही आके ये सेट हो जाता है इसमें बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो एचसीजी नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा. ठीक है, ये जो एचसीजी है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ये मैसेज कन्वे करता है टू द ओवरी. ब्लड में जैसे ही ये एचसीजी नाम का हार्मोन रिलीज होता है ये ओवरी के अंदर मैसेज कन्वे करता है और मैसेज पहुंच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के पास, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे अपने आप को रिग्रेट करना शुरू कर देता है, रिग्रेशन में आ जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है. लेकिन जैसे ही उसको एचसीजी का मैसेज मिलता है या हम कहें कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जैसे ही इसका मैसेज मिलता है उसे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है या हम कहें इम्प्लांटेशन पूरी तरह से हो चुकी है. फीमेल यूट्रस हम कहें कि जो प्रेगा न्यूज़ वगैरह जो स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स के जरिए एक फीमेल को कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है या कैसे हम कहें कि रिजल्ट मिलता है, जब यूरिन के अंदर एचसीजी नाम का हार्मोन, ठीक है, ये जो हार्मोन है जब यूरिन के अंदर आता है तब ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है. तो हम कहें प्रोजेस्टेरोन प्लस एचसीजी नामक हार्मोन ही ब्लड के अंदर आने से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फर्म हो पाता है. ठीक है, तो एचसीजी ने मैसेज कन्वे कर दिया किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास. अब कॉर्पस ल्यूटियम पहले तो श्रिंक होने वाला था लेकिन जैसे ही उसे एचसीजी का मैसेज मिल जाता है वो दोबारा से अपने आप को स्वेलअप करना शुरू कर देता है. स्वेलअप मतलब अपने अंदर से और ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन को बहुत एक्साइटमेंट के साथ रिलीज करता है, मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करता है और जो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन है और ज़्यादा बढ़ जाती है. प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ने से अब किसका अमाउंट, किसकी थिकनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली पहले भी बात कर चुके हैं हम एंडोमेट्रियम वॉल. अब एंडोमेट्रियम वॉल अगेन ज़्यादा वैस्कुलर, ज़्यादा मोटाई में होना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से अपने आप को अपना सेटअप बनाएगा, मीन्स यहीं से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा. जो एंडोमेट्रियम वॉल है अभी तक ट्रोफोब्लास्ट लेयर काम कर रही थी, लेकिन अभी जो है एंडोमेट्रियम वॉल क्या करेगी, धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की इंटरनल वॉल है जो किसने मोटी की है, प्रोजेस्टेरोन ने, वो क्या देगी, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स प्रोवाइड कराएगी. डेवलपिंग एम्ब्रियो को ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स प्रोवाइड कराएगी क्योंकि अभी तक प्लेसेंटा जनरेट नहीं हुआ. प्लेसेंटा जनरेट कब होगा, जब पूरी तरह से जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से एम्बिडेंट हो जाएगा इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल. जब एंडोमेट्रियम वॉल के बस की बात नहीं रही कि अब मैं खाना प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी, तब क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो धीरे धीरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन करेगी. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप कॉरियोनिक विलाई या फिर प्लेसेंटल विलाई का नाम दे सकते हो. यहाँ आप देख सकते हो कि एम्ब्रियो के अराउंड जो ये प्रोजेक्शन बनी हुई है इनको हम कहते हैं प्लेसेंटल विलाई. देन प्लेसेंटल विलाई जो है हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहें आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है इंटर डिजिटाइजेशन. इंटर डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है बेटे, कि ये जो कॉरियोनिक विलाई है ये जो यूट्रस के अंदर पड़ा जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो इस मतलब जैसे हम अपनी फिंगर्स को, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को हम एक दूसरे के अंदर सेटअप कर लेते हैं, पूरी तरह से फिक्स करा देते हैं, इस तरह से मैटरनल ब्लड वेसल्स जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी ब्लड वेसल्स के साथ इंटर डिजिटाइज हो जाती हैं. जैसे अगर हम अपनी फिंगर्स को दूसरी फिंगर्स में एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से उसमें धसी होती हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर डिजिटाइजेशन. और कुछ टाइम बाद ये जो कॉरियोनिक विलाई है ये पूरी तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है एक डिस्क लाइक शेप के अंदर, एक चौड़ी हाथ, जैसे मैं आपको इस तरह का बताऊं कि एक चौड़ी शेप लाइक के अंदर, इस तरह से प्रॉपर एक शेप के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, जिसको हम प्लेसेंटा नाम देते हैं. जनरली हम लोग भी कहें या फिर आप लोग भी, हम इसको क्या समझते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि प्लेसेंटा कौन सा है. हमें लगता है कि प्लेसेंटा क्या है,
प्लेसेंटा वो एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो बच्चे के निवल से बाहर निकलती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड। ये जो है इसको हम अम्बिलिकल कोर्ड बोलते हैं, कोर्ड है। ये कोर्ड क्या करती है बेटे, बच्चे के चारों तरफ लिपटी रहती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर लिपटी रहती है, जिसको अम्बिलिकल कोर्ड कहते हैं। लेकिन यही अम्बिलिकल कोर्ड है ये जुड़ी रहती है प्लेसेंटा के साथ। बट प्लेसेंटा को आप बिल्कुल अम्बिलिकल कोर्ड के साथ कन्फ्यूज मत करो, मिक्स मत करो। प्लेसेंटा इज डिफरेंट न्यूट्रिटिव एंडोक्राइन टिश्यू, प्लस अम्बिलिकल कोर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्ले अ वेरी वाइटल रोल और द नंबर ऑफ रोल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब अभी तक प्रेगनेंसी के अंदर जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उन सभी कंसेप्ट में सबसे बड़ा, जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मेजर रोल प्ले करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, प्लस सबसे बड़ा रोल इसका है एंडोक्राइन, इज इट एक्ट एज अ एंडोक्राइनस टिश्यू। ठीक है, ये न्यूट्रिशन तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसी ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यू, एक्सोक्राइन टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड इन द 11th क्लास। एंडोक्राइन टिश्यू वो होते हैं जो बॉडी के अंदर विदाउट, जैसे हम कहते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड, जो हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत नंबर ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी काम करते हैं। नाउ द फंक्शंस, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताई कि इस तरह से एक दूसरे में वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ धंसी रहती हैं, इस तरह से मदर की, एक मदर की मदर ब्लड वेसल्स हैं और जो यूट्रस की ब्लड टिश्यूज़ की वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ धंसी हुई रहती हैं, जिसकी हेल्प से एक्सचेंज ईजिली हो पाता है। देन एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। देन द सेकेंड, द प्लेसेंटा इज अ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो आप शॉर्ट फॉर्म में अगर फंक्शंस को याद करो, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्ट एज अ एंडोक्राइनल टिश्यू। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो याद रखनी है। और एंडोक्राइनल टिश्यू में आप कौन कौन से हॉर्मोन्स याद रखोगे, SCG, HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, लेटरल फेज प्रेगनेंसी, अर्ली फेजेस प्रेगनेंसी को कॉर्पस लूटियम मैनेज करता है प्रोजेस्ट्रोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाकर, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, सक्सेसिव होती जाती है फेजेस, उसके बाद प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, और एक इंपॉर्टेंट हॉर्मोन भी रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हॉर्मोन। एक लुब्रिकेशन का काम करता है पूरे यूट्रस को, ही एक, जैसे हम कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोवाइड करता है, जिससे एक सॉफ्टनेस, एक आरामदायक फॉर्मेशन जो है यूट्रस को मिल पाती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटा। अभी इसके अंदर अगर हम देखें, बहुत बड़ी हमारा वीडियो लेक्चर इस पर बन सकता है और भी, लेकिन अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको किया है, और आगे हम ऑनलाइन क्लास में इसके डाउट्स को डिस्कस करेंगे।